नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। बात करेंगे हम बस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम प्रोडक्शन करते हैं या मिक्सिंग करते हैं। यहां पर मैंने एक बेसिक ड्रम लूप बनाई है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये एक लूप बनाई है जिसके अंदर हमने किक यूज की है, हमने स्नेयर यूज किया है, क्लैप यूज किया है, हैट यूज किए हैं, राइट। मैं यहां जाता हूं, चैनल रैक यहां पर दिख रहा है, मैं इन सबको यहां से सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, मेरा लेफ्ट हैंड एकदम खाली है, कोई शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट कुछ नहीं, सिलेक्ट किया। अब मैं करने वाला हूं कंट्रोल एल, अगर आप विंडोज वाले हैं, मैक वाले हैं तो कमांड एल। जैसे मैंने क्लिक किया, ये पांचों के पांचों अपने आप मिक्सिंग चैनल में असाइन हो गए, राइट। अब मैं यहां पर देखता हूं कि मुझे सिग्नल्स क्या दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए यहां से मैं बेसिक लेवलिंग करना चाहता हूं, मुझे कोई एक साउंड कम सुन रही है, कोई ज्यादा सुन रही है, तो मैं थोड़े बहुत लेवल ऊपर या नीचे करूंगा, सो दैट मेरी जो ड्रम की ओवरऑल लूप बनी है वो और बेटर साउंड करे। जैसे क्लैप ज्यादा सुन रही है, राइट, तो चलिए थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने स्नेयर डाउन किया, हल्की सी क्लैप डाउन की। अब मुझे लग रहा है कि ठीक है, अब ये ड्रम्स अच्छे लग रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपस में ये और ग्लू हो जाए और बढ़िया सुनाई दे मेरे ओवरऑल मिक्स के अंदर, तब मुझे बसेस यूज करनी पड़ेंगी। अब वो क्या चीज है, यहां गया मैं बिल्कुल एक खाली में, मैंने प्रेस किया F2, रीनेम इसको कर देते हैं हम ड्रम बस, एंटर, फिर से F2, चलिए कोई कलर भी दे देते हैं, मैंने दिया ऑरेंज। और आप देख सकते हैं फिलहाल इसके अंदर कोई सिग्नल नहीं है। अब मैं यहां जाता हूं, चलिए मैं सिर्फ एक किक की तरफ जाता हूं। अगर मैं किक को यहां से, आप देखेंगे ग्रीन जो मेरी सिग्नल जा रहा है ये, अगर मैं यहां क्लिक कर देता हूं तो यहां से सिग्नल मेरे मास्टर में तो जा ही रहा है, मेरे स्टीरियो आउट में, यहां से ड्रम बस में भी जा रहा है। यानी कि किक यहां से डायरेक्टली तो बाहर जा ही रही थी, अब ये किक जो है वो इधर भी जा रही है और मेरे ड्रम बस के अंदर अगेन वहां से आउटपुट फिर बाहर जा रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन खुद करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मिक्सर चैनल से भी आउटपुट जा रही है और उसी किक की यहां से भी आउटपुट जा रही है, जिसकी वजह से मेरी जो किक है उसका वॉल्यूम डबल हो गया। मैं बाकियों को ऑफ कर देता हूं, चलिए ये भी मैं यहां क्लिक करूंगा, वापस हट जाएगा, बहुत ही आसान है। ये देखिए क्लिक किया, वो ग्रीन केबल जुड़ गई, इस पे क्लिक किया, वापस हट गई। किक का वॉल्यूम सुनते हैं, जैसे जैसे मैं ऐड करता जा रहा हूं आप देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, राइट, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं कि इस तरह से ना हो कि ये बाहर भी जा रहा है और एक बस में भी जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैन्युअली मैं ये चीज करूं कि यहां से मैंने हटाया और यहां पे क्लिक कर दिया, सो दैट मेरी किक जो है वो ड्रम बस के थ्रू जाए और फिर बस से फाइनल बाहर जाए। लंबा तरीका है, मैं ये नहीं करना चाहूंगा। मैं क्या करने वाला हूं, सिंपल, मैं यहां गया, राइट क्लिक किया और मैंने कहा ट्रैक ओनली। अब ये राउट हो गया है बिल्कुल यहां से, ये बाकी भी हैं मुझे दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस किया, चारों को सिलेक्ट किया, बस की तरफ गया, राइट क्लिक किया, अगेन राउट टू दिस ट्रैक ओनली। अब आप देखेंगे क्लैप भी वहां पर कनेक्टेड है, मेरी हैट भी वहां कनेक्टेड है, मेरा स्नेयर भी वहां कनेक्टेड है। ओवरऑल मेरे ड्रम लूप में कोई भी लेवल में फर्क नहीं आया है, सारे का सारा जो था बाहर जा रहा था, अब वो ड्रम बस में जा रहा है और बस से वापिस बाहर। राइट, वॉल्यूम वहीं का वहीं है। ये करने का फायदा क्या हुआ, अब फायदा ये हुआ है कि इस ड्रम बस को, ओवरऑल ड्रम्स, यहां मैं किक के ऊपर कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूं, स्नेयर पे कोई और इफेक्ट लगाना चाहता हूं, क्लैप के ऊपर कोई और इफेक्ट, लेकिन ओवरऑल जो मेरी ड्रम लूप बनी है ये पांचों मिलके फाइनली जो यहां जा रहा है, इस बस पे मैं फिर से कोई ना कोई इफेक्ट ले सकता हूं। राइट,
यानी कि मैं ओवरऑल ड्रम को थोड़ा सा एनहेंस कर सकता हूँ, कोई उसके अंदर रेजोनेंसीज हैं कुछ काट सकता हूँ, कुछ भी उसके ऊपर कंप्रेशन हो गया, कोई और साउंड हो गई, किसी भी तरह का इफेक्ट लगा सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है, इस तरह पूरे के पूरे गाने में मान लीजिए आपके 50, 60, 70 ट्रैक्स हैं, लेकिन फाइनली 5-6 ट्रैक ही रह जाते हैं। एक मेरी ड्रम बस रह जाएगी, एक मेरी वोकल्स रह जाएगी, एक मेरी मेलोडी सेक्शन रह जाएगा, एक बेस लाइन रह जाएगा और एक इफेक्ट्स रह जाएंगे जिसके अंदर राइजर होंगे और भी बहुत तरह के कोई फील्स होंगे, वो सब इफेक्ट उसके अंदर होंगे। तो ये 5 या 6 फाइनल मेरी बसेस बन जाती हैं। ये जो बसेस बनी हैं इन्हीं को हम फाइनली और मिक्स करते हैं और एनहेंस करते हैं मास्टरिंग के दौरान, हमें बहुत हेल्प होती है। तो जब कोई मिक्सिंग इंजीनियर आपको बोले कि मुझे स्टेम्स भेज दो, इसका मतलब है वो बसेस मांग रहा है, तो आपको ये 5-6 अलग अलग बसेस भेज देनी है। और अगर कोई मिक्सिंग इंजीनियर आपको कह रहा है कि मुझे मल्टी ट्रैक्स भेजिए, इसका मतलब है उसे किक अलग भेजनी है, स्नेयर अलग, वोकल अलग, दूसरी वोकल अलग, बैकग्राउंड वोकल अलग, सब कुछ अकेला अकेला जब भेजेंगे तो वो मल्टी ट्रैक होगा। ये ड्रम बसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आने वाले समय में या मेरे लेक्चर चैनल के ऊपर ही अगर आप और सर्च करेंगे बस देव नेक्स्ट लेवल, तो काफ़ी कुछ यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा कि एडवांस किस तरह से हम बसेस को यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं अगले लेक्चर की ओर, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते।